देखो दोस्तों, यूपीएससी की परीक्षा हर साल 10 लाख स्टूडेंट देते हैं। क्या उनमें से हर कोई आईएएस बन पाता है? क्या उनमें से हर कोई यूपीएससी क्लियर कर पाता है? करना तो हर कोई चाहता है, पास हर कोई होना चाहता है, लेकिन क्या हो पाता है? नहीं। हर कोई सपना तो देखता है, लेकिन यूपीएससी क्लियर नहीं कर पाता है। सिर्फ करते हैं 0.2%। अरे कौन है ये 0.2%? कहाँ से आते हैं? यूपीएससी का सपना तो हर कोई देखता है, लेकिन ये 0.2% स्टूडेंट वो हैं जिनके लिए यूपीएससी एक सपना नहीं, जिद है। क्योंकि सपना तो टूट भी सकता है, लेकिन जिद सामने वाले को तोड़ देती है। ज़्यादातर स्टूडेंट सिर्फ सपना देखते हैं, सपनों में खो जाते हैं। भाई यूपीएससी में जोश के साथ होश दिखाना पड़ता है, ऐसे ही नहीं मिलती मंजिल राही को। एक कीमत चुकानी पड़ती है, एक जिद पालनी पड़ती है। जो सह गया वो बन गया। ये 0.2% में वही आएगा जो जिद करेगा। अरे नौकरियां तो बहुत हैं, लेकिन मैंने आईएएस को चुना क्योंकि मैं जिद्दी हूँ। अपने माँ बाप के लिए, अपने घर परिवार के लिए मैं यूपीएससी टॉप करूंगा क्योंकि मैं जिद्दी हूँ। अरे ये यूपीएससी भी जिद्दी है, नेशनल एकेडमी का रास्ता भी जिद्दी है। अब मजा आएगा क्योंकि मेरे हौसले भी जिद्दी हैं। क्यों ना जिंदगी को एक बार खुलकर जी लिया जाए। सोना तो मौत के बाद भी है, क्यों ना कलेक्टर बनकर ही जिया जाए। ऐसे कैसे मान जाऊं हार, अभी कोशिश जारी है। अब आईएएस बनने की हमारी बारी है। तूफानों से मत डरो, अभी समुंदर बाकी है। खूब मेहनत कर, अभी यूपीएससी का पेपर बाकी है। ख्वाब देखे हैं तूने यूपीएससी के, तो दर्द भी सहना होगा। सब्र कर और मेहनत कर, ख्वाब पूरा भी होगा। ये नशा है जनाब, एक तो चढ़ता नहीं, चढ़ जाए तो तब तक उतरता नहीं जब तक मुकाम हासिल ना हो जाए। क्योंकि हम यूपीएससी वाले हैं साहब, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।